नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूँ साई एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं जो कि पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाले हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। इसमें क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह या ब्लैंक ऑप्शंस दिया गया है। इसमें क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, 60 से 291 हुआ है, फिर 485 हुआ है, फिर 642 हुआ है, फिर 762 हुआ है, ये आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों 60 से 291 के बीच की, तो 60 है फिर 291 है, तो इनके बीच का अगर आप डिफरेंट देखेंगे ना तो प्लस 231 देखने को मिलेगा। 231 यहाँ पे हुआ है, फिर 291 से 485 हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का 194 हुआ है, 194 हुआ है, फिर 485 से 642 हुआ है, तो यहाँ पे 157 हुआ है प्लस का। फिर आगे जब 642 से 762 हुआ है ना, तो यहाँ पे भी 120 प्लस का हुआ है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट रो में कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा होगा। अब सेकेंड इनका हम डिफरेंट चेक करेंगे, तो 231 से 194 के बीच का डिफरेंट अगर हम चेक करें ना, तो 37 यानी 37 यहाँ पे डिफरेंट आया है, माइनस हुआ है यहाँ पे। फिर 194 से 157 की तरफ अगर हम चलते हैं ना, तो यहाँ पे भी माइनस का 37 देखने को मिलेगा। फिर 157 से 120 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे माइनस का 37 देखने को मिलेगा। मतलब जो डिफरेंट का डिफरेंट आया है उसमें माइनस 37 हो रहा है। अब हम करेंगे क्या, ये जो माइनस 37 है ना, इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। मतलब 120 में माइनस 37 करेंगे तो हमारा क्या आएगा कि 83 आएगा, यहाँ पे 83 आएगा, 83 आया। अब इस 83 को हम करेंगे क्या, 262 में प्लस कर देंगे। तो 262 में जब हम 83 जोड़ देंगे ना, तो 762 में जब 83 जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 5 आएगा, 6 दूना 12 13 14 4 हासिल का 1, 845 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, जो संख्याएं दी हैं उनका डिफरेंट निकालेंगे, फिर डिफरेंट का डिफरेंट निकालेंगे तो जो ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इसमें क्या है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, और इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या आएगा ये ज्ञात करना है इन सभी को सॉल्व करके। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स में आया हुआ रियल क्वेश्चन है, जो अभी हाल ही में 2024 में एग्ज़ाम्स हुआ था। अब करेंगे क्या, तो इसमें बॉडोमोस रूल्स के तहत सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक माइनस का है, बाकी दो प्लस का, तो सबसे पहले जोड़ होगा, तो 5 × 6 तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 4 प्लस 6, इतना हमने कर लिया ये चीज़। अब यहाँ पर प्लस 3 ये इधर ऐसे हुआ, फिर इंटू 8 फिर इधर ऐसे हुआ, फिर 12 कोष्टक पूरा बंद, फिर यहाँ पे माइनस का 6 लिखने के बाद ये इस तरीके से हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब करेंगे क्या, माइनस 4 प्लस 6, तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हमारा जो 6 देखने को मिल जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 आ गया, इंटू का 8 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इस तरीके से इधर हो गया, ये इतना बंद हो गया, माइनस 6 इतना इधर, फिर माइनस 2 फिर प्लस का 12, इतना लिखने के बाद अब इसका इसमें इंटू कर देंगे तो 8 दूना 16 प्लस 3 ये इतना बंद हो गया, फिर प्लस 12 ये इधर हो गया, 6 2 माइनस, इतना होने के बाद अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस 12 कर देंगे और इधर बंद हो जाएगा 2, इतना हो, ठीक है। अब करेंगे क्या,
इन दोनों को इधर पहले जोड़ लेंगे, तो इतना जब जोड़ेंगे 12 6 18 होगा और -19 कर देंगे, और इधर ये बंद हो जाएगा कोष्टक जब, और ये वाला संख्या पहले से बचा हुआ है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ से देखिएगा माइनस का 1 आ गया और ये दोनों बंद कर देंगे तो ये 2 माइनस का। अब ये जब कोष्टक खोलेंगे तो ये दोनों पहले इंटू हो जाएगा, तो ये जब इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को मिला करके कौन कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है वो हमको छोड़ना है, जो नहीं बन पाएगा वो ज्ञात कर रहा है। तो एन ओ यू एन, तो एन ओ यू एन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक साथ में एन ओ यू एन दिया, तो ये बन जाएगा एम ओ यू एन टी, माउंट माउंट भी बन जाएगा, एम ओ यू एन टी ये भी बन जाएगा, फिर उसके बाद सी ई एम ई एन टी, तो यहाँ पे देखिएगा ये भी बन जाएगा, लेकिन इस पूरे वर्ड में भी कहीं नहीं देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भी नहीं देख रहा है देखने को मिला, तो भी वाली वर्ड तो हम बना ही नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी कह रहा है लुप्त वाली जो संख्या है वो ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये ज्ञात करना है। तो इसको आप देखिएगा 43 दिया है, फिर 43 से 34 हुआ है, 34 के बाद 69, 69 के बाद 96, फिर 13 हो गया। अगर हम बात करें 43 से 34 की, तो 3 को इधर रख के 4 को इधर ला दिया गया है, सेम उसी तरीके से 69 से 96 कैसे हुआ, तो 9 को इधर छोड़ के 9 को इधर ला दिया गया आगे चल के, तो 13 में हम करेंगे 3 को इधर छोड़ेंगे और 1 को इधर ला देंगे 3 के बाद, तो 31 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब संख्याओं को आपस में बदल दिया गया है, फर्स्ट वाली की प्लेस वैल्यू सेकेंड चली गई है और सेकेंड वाली की फर्स्ट आ गई है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा एक निश्चित कोड में पी आर ए वाई को 25 1 18 16 के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में एम ई एन मीन को कैसे लिखेंगे, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें पी आर ए वाई प्रे, इसमें 25 1 18 16 कोड दिया गया। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें पी आर ए वाई लिखा हुआ है जबकि आगे में 25 1 18 16 लिखा हुआ है, वाई की कोड 25 होती है, एक जो होता है ए की कोड होती है, आर जो होता है 18 होता है, और जो पी होता है ये 16 होता है, ये कोड दिया गया है। तो जो ये कोड दिया है ना, जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, तो यम के लिए हम करेंगे क्या, जो यहाँ से ये इसकी कोडिंग करेंगे यम ई ए एन, इसके लिए भी सेम उल्टा ही कोडिंग करेंगे, तो एम ई ए एन इसमें जो ये इसका कोड होगा तो 13 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एम जो दोस्तों 13 होता है, ई जो होता है ये 5 होता है, एक पे होता है ए और एन होता है 14 पे। अब हम इसको उल्टा लिखेंगे कि 14 1 5 13, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये फिगर वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न में और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शंस में, तो इनमें से कौन सा अगली जो आकृति होगी वो आएगी, तो ये ज्ञात करना। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके हम फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक हार्ट का शेप देखने को मिला जो कि लेफ्ट साइड के नीचे है, आगे चल के ये हार्ट मिड में आ गया है लेफ्ट साइड के, फिर आगे चल के ये टॉप में आ गया है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये हार्ट है, पहले यहाँ पे ये हार्ड है, दूसरे वाले में यहाँ आ गया, तीसरे वाले में यहाँ आया, तो चौथे वाले में क्या होगा कि एक ही घूम रहा है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड के मिड में आ जाएगा, तो राइट साइड के मिड में तो सिर्फ एक ही ऑप्शंस में है जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा, तो इसका ऑप्शंस राइट जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें से हमको क्या करना है, डिफरेंट बताना है कौन सा एक
तीनों में से अलग है। एफ आई एल की बात करें तो एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, आई की 9, एल की 12, तो इनमें क्या है कि तीन तीन का डिफरेंट है, तीन प्लस होता गया। जी जे एम की बात करें तो जी 7 होता है, जे 10 होता है, एम 13 होता है, इसमें भी प्लस तीन हुआ है। ई एच के की बात करें तो ई 5 होता है, एच 8 होता है, के 11 होता है, तो प्लस तीन इसमें भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ऑटोमेटिक राइट आंसर होगा, क्योंकि तीन एक तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो चौथा अलग होगा। क्योंकि अब आगे देख लेते हैं, यस 19 पे है, वी जो है 21 पे है, जेड 26 पे है, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस 5 का डिफरेंट है, इसके वजह से ये अन्य से भिन्न है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे दिया क्या है, 4 से 52 कैसे हुआ, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, फिर उसके बाद 1560 दिया गया। तो 4:52 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 52/4 कर देते हैं, तो 13×52 होता है, यानी जो भी संख्या यहाँ आएगी ना उसको इसमें भाग देने पे 13 आना चाहिए। तो अगर हम 118 को पहला ऑप्शन रखते हैं तो 118 दिया गया, 118 से जब 1560 को डिवाइड करेंगे तो समथिंग 12 कुछ आएगा, तो ये 13 कुछ आएगा, तो 13.22 होगा, तो इसके वजह से ऑप्शन नंबर एक नहीं होगा, हमको 13 चाहिए, ऑप्शंस में 13 चाहिए। 122 चूंकि 2 बड़ा है तो ये भी पॉइंट में चला जाएगा, लगभग 12.5 के आसपास ये जाएगा। फिर 128 को भी जब डिवाइड करेंगे ना तो ये भी 12 में आएगा, और 120 को जब करेंगे तो ये यहाँ पे 120 आ जाएगा। 1560 में 120 का डिवाइड कर देंगे तो ये 13 से 12 × 13 156 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने एक स्थिर जगह से चलता है और आगे चल के वो कई स्टेप लेता है, उसमें हमको ज्ञात करना। तो देखिए एक बिंदु क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक बिंदु एक्स से स्टार्ट करता है, यहाँ पे एक्स एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से शुरू करता है और दक्षिण की ओर जाता है, तो हम इधर यहाँ से इधर की चल तरफ मान दें ये दक्षिण की दिशा है, तो यहाँ से 14 किलोमीटर इधर गया, फिर दक्षिण को चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, क्योंकि जब इधर से कोई व्यक्ति जाएगा तो उसका बायां इधर होगा और दायां इधर आएगा नीचे की तरह, तो 10 किलोमीटर चला, इधर 10 किलोमीटर मुड़ा, फिर वो दाएं मुड़ता है, तो इधर से कोई व्यक्ति जाएगा तो दायां इधर आएगा, तो यहाँ पे भी वो 10 किलोमीटर गया, फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, और अब जबकि इधर से कोई जाएगा तो दायां इधर आएगा नीचे की तरह, तो इस ये भी 10 किलोमीटर चला और यहाँ ये वाई बिंदु पर पहुँच गया। अब कह रहा है कि एक्स बिंदु पर पहुँचने के लिए अब कितनी दूरी और किस दिशा में जाना होगा, तो चूँकि ऊपर में 10 है तो इसकी भी जो दूरी होगी वो 10 ही होगी, और 10 + 14 = 24 होगा, और इधर से ये चला था दक्षिण, तो 24 वाला एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 24 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ये पूरा हो गया, इधर पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आर क्यू एस एस ओ क्यू टी एम ओ प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें हमको करना क्या है, आर की प्लेस वैल्यू रखते हैं, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है, और एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू दोस्तों 17 होती है, टी की बात करें टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 3 होती है, और ओ की एम की पहले प्लेस वैल्यू 13 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे +2 -2 फिर -2 हुआ है, आगे भी करेंगे क्या,
यहाँ पे प्लस वन माइनस टू माइनस टू, आगे भी प्लस वन माइनस टू करेंगे तो यहाँ पे फिर प्लस वन माइनस टू तो 21, 11, 13 हो गया। 21 जो होता है यू की प्लेस वैल्यू है, के 11 की प्लेस वैल्यू के है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, तो यू के एम ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गलत है ये ज्ञात करना है। एच ई आर जे जी टी एल आई वी एन के एक्स पी एम वाई दिया है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करें। अगर यच की बात करें तो यच 8 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस सॉरी माइनस 3 अब यहाँ पे जे जी टी की बात करें तो जे 10, जी 7, टी 20, एल की बात करें एल 12, आई 9, भी 22 और एन के एक्स की बात करें एन 14, के 11, एक्स 24, फिर आगे पी एम वाई की बात करें तो 16, 13, 26 ये। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हुआ तो ये बना, प्लस 8 में प्लस 2 किए तो 10 हुआ, 5 में 2 किए तो 7 हुआ, 18 में 2 किए तो 20 हुआ। अब इसमें भी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करेंगे तो 10 में 2 करेंगे 12, 7 में 2 प्लस करेंगे 9, 20 में 2 करेंगे तो 22, फिर 12 में 2 करेंगे तो 14, 9 में 2 करेंगे तो 11, फिर 22 में 2 करेंगे तो 26। अब 14 में 2 करेंगे तो 16 होगा, 2 करेंगे तो 13 होगा, 24 में 2 करेंगे तो 26 बन जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है इसके वजह से, क्योंकि आंसर पूरा सही आ रहा है तो इसके वजह से इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चंस, एक निश्चित कोड भाषा में NONOWAY को ओ क्यू जेड ई डी के रूप में लिखा जा रहा है, तो अगला जो है CROWN को किस रूप में लिखेंगे। अगर हम बात करें एन 14 होता है, ओ 15 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, ए 1 होता है और वाई 25 होता है, ठीक है। ओ की बात करें ना तो ओ 15 होता है, क्यू की बात करें 17 होता है, जेड 26 होता है, ई 5 होता है और D 4 होता है। देखिएगा प्लस 1 हुआ है, प्लस 2 हुआ है, प्लस 3 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, प्लस 5 हुआ है, तो ये है। C की बात करें C 3 होता है, 18 पे R होता है और 15 पे O होता है, W जो होता है 23 पे होता है और N 14 पे आता है, तो यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो 4 यानी D, फिर 18 में 2 करेंगे तो 20, 20 का मतलब T, प्लस 3 करेंगे 18, 18 का मतलब R, प्लस 4 करेंगे 27, 27 का मतलब A और प्लस 5 मतलब 19, 19 का मतलब होता है S, DTRAS, DTRAS ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। आई होप दोस्तों आज की ये जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।